दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने विदेशों से कुरियर के जरिए गांजा मंगवाकर दिल्ली में सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन तस्कर करण, प्रयांश और संजीव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तीनों को शालीमार बाग स्थित एक फ्लैट में दबिश देकर धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से लगभग 2 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 35 लाख रुपए आंकी गई है। खास बात यह है कि आरोपी एक ऑनलाइन ऐप के जरिए विदेशों में रहने वाले ड्रग सप्लायर्स की खोज करते और उन्हें गांजे का ऑर्डर देकर वहां से पार्सल के जरिए दिल्ली मंगवाते थे। पेमेंट के लिए ये बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते थे। विदेशों से आने वाले गांजे को खास तरीके से पैक किया जाता था ताकि स्कैनर में चेकिंग के दौरान वो पकड़ में ना आए। इनका जो सोर्स ऑफ सप्लाई है वो कनाडा है और इसमें डार्क नेट और विकर ऐप जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स साइबर की दुनिया का इस्तेमाल किया गया है इस गांजे को सोर्स करने के लिए। शुरू में विकर ऐप है, उसके जरिए ये लोग जो सोर्स है उससे कहीं कंटेक्ट में आए, उसके साथ इनिशियल जो इनकी बातचीत और चैट हुई है कनाडा के सोर्स से वो उस ऐप पे हुई है। और जब इनको दोनों पक्षों को ये लगा कि संभावना है कि ये डील हो सकती है, तब इन लोगों ने अपने को डार्क नेट पे शिफ्ट किया, उस पर इनकी बातचीत हुई। और जब इनको लगा कि ये डील अब पक्की हो सकती है तो उसके बाद बिटकॉइन के माध्यम से इसका पेमेंट किया गया। ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है। और उसके बाद DHL के माध्यम से इन्होंने इसको मंगवाया।